पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर गौसर में पुरानी रंजिश से पूर्व प्रधान को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी के अनुसार लगभग 27 साल पहले आरोपियों से खेत में मेंथा की खेती को लेकर मृतक का विवाद हुआ था, जिसके चलते अब आरोपी ने अपने साथियों के साथ पहले तो मृतक पूर्व प्रधान के घर पहुंचा और फिर आवाज लगाकर घर से बाहर बुलाया और घर से कुछ दूर ले जाकर उसको गोली मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी मृतक के गांव के ही रहने वाले हैं और जैसे ही पुलिस को गोलीकांड की जानकारी मिली तो तुरंत थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और एसपी देहात भी मौके पर पहुंच गए। सोमवीर सिंह। अच्छा, कहाँ रहते भैया? रसूलपुर सर। अच्छा, क्या पूरा मामला है जो बैठ? मामला ये है कि ये जगदीश सिंह आए, फिर उन्होंने मेरे गेट पर आवाज़ दी, मैं अंदर से निकल के आया, मैं चाय लेके आ रहा दो प्याले, इन्होंने क्या काम करो गाली गलाओ दे रहे थे, तो जब बाद में जब देखे मैंने तो जब भाजते देखे मैंने गोली मारे पापा को। अच्छा, क्यों गोली मारी? क्या पहले से कोई विवाद चल रहा था? क्या मामला है? पहले से विवाद का बहुत पहले हो तो बहुत पहले कोई बात होगी, मुझे जानकारी है। अच्छा, अब क्या वजह रही? क्या वजह? कोई पैसे का लेन देन को लेकर भी मामला चल रहा था? पहले पहला पुराना मामला कोई। क्या लोग थे ये? तीन। कौन कौन थे? जगदीश सिंह, धर्मेंद्र और हेमंत। अच्छा, थाने आए हो क्या? इसमें अभी तक कोई कार्यवाही हुई है या किसी को गिरफ्तार किया है? दो को गिरफ्तार। घर के अंदर घुस के बोले? ना ना, बाहर बुला के। बुला के बाहर? घर से कितनी दूरी पे? थोड़ी दूर। बिल्कुल नजदीक। क्या कोई खेत की? आज पुलिस को सुबह 6:30 बजे के करीब सूचना मिली कि ग्राम रसूलपुर गौसर में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। मौके पर जो जांच की गई उसके आधार पर पता चला कि जो मृतक है उसका नाम राजवीर है और उसको गांव के ही पड़ोसी जगदीश के द्वारा गोली मार दी गई और जो मृतक है उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तमंचा भी बरामद कर लिया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।